Hello students, today I will discuss the biology of class 10th. So in 10th class, the first chapter is I am going to revise. First chapter में a topic आपका revise करवा रहा हूँ. Factors for responsible in photosynthesis. ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो फोटोसिंथेसिस के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं, मीन्स दैट अगर वो फैक्टर हैं तो ही फोटोसिंथेसिस पॉसिबल है, अदरवाइज नहीं होगी. तो देखिए कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं. फर्स्ट फैक्टर वी विल डिस्कस वाटर. यू नो वाटर इज वेरी इंपॉर्टेंट टू फॉर फोटोसिंथेसिस. वाटर कहाँ से आता है? वाटर ग्राउंड से मिलता है, मिनरल्स आते हैं तो वाटर हमको वहां से प्राप्त होता है. सेकेंड फैक्टर लाइट. इसमें भी आप लिखेंगे थोड़ा, लाइट इज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर फोटोसिंथेसिस. और थर्ड क्लोरोफिल इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर मेक फोटोसिंथेसिस प्रोसेस. ओके, क्लोरोफिल कहाँ से मिलता है? यू कैन राइट क्लोरोफिल फोटोसिंथेसिस में लीप से प्राप्त होता है, प्लांट लीप से. नेक्स्ट है कार्बन डाइऑक्साइड. गैस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर फोटोसिंथेसिस. ओके, सो दीज आर द फैक्टर्स विच इज रिस्पॉन्सिबल. और साथ ही साथ और कौन से फैक्टर्स हो सकते हैं? फोटोसिंथेसिस होता क्या है? फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के द्वारा प्लांट्स कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड. ओके, प्लांट्स अपना भोजन खुद बना सकते हैं अगर उनको ये सारी चीजें मिले, वाटर, लाइट, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड. ओके, these are the important factor. Okay, enough for today. Thank you.